अरे जिसको बाहर निकलना है वो निकल जाए, जिसको अंदर आना है वो आ जाए। मनीष देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का कैट बना रहे 14 जून आज 8 पीछे का लाइक तो रखा तो अंदर अंदर देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। लाइंस पर क्लिक प्लीज। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। रोलिंग रोलिंग। देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। नहीं देखिए, अब नहीं देखिए, नहीं देखना नहीं, कम ऑन। देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे स्टार प्लस पर। देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे स्टार प्लस पर। देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे स्टार प्लस। आज रात शुक्रवार। शूट तो बहुत बढ़िया होता है। शूट बहुत ही मज़ेदार रहा, काफ़ी सारे टेक्स दिए, वेरिएशंस दिए, काफ़ी सारे एंगल्स, तो आई थिंक डायरेक्टर साहब को जो चाहिए था उनको मिल गया, वो बहुत खुश हैं, वो खुश तो मैं खुश। और शूट था कल, प्रोमो शूट कर रहे थे 14 तारीख को मास्टर शेफ का, मास्टर शेफ इंडिया का ग्रैंड फिनाले है 8 बजे स्टार प्लस पर, और मैं जाने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है, तो सबको बताने कि मैं जा रहा हूँ, एक प्रोमो शूट कर रहे थे। पिक्चर तो आ रही है जुलाई 5th को लुटेरा, तो प्रमोशन शुरू हो गए हैं, अब मास्टर शेफ पे जाएंगे, मास्टर शेफ की व्यूअरशिप माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, तो वहाँ जाएंगे, लोगों को बताएंगे एक बार कि हमारी फिल्म आ रही है जुलाई 5th को, तो उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगी, होपफुली लोगों को प्रोमो मटीरियल हमारे लुटेरी फिल्म का अच्छा लगा है, और जुलाई 5th को जाएंगे देखने। मैं तो बहुत कमाल का कुक हूँ। मैं बॉइल्ड अंडे इतने कमाल के बनाता हूँ, और बटर टोस्ट आ हा, और ऑमलेट
और मैं फ्रूट्स भी काट लेता हूँ और कभी कभी प्रोटीन शेक भी बना लेता हूँ मैं लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती है. मैं वो रेडीमेड पैकेट से बटर चिकन बनाता था अपने अमेरिकन दोस्तों के लिए जब मैं यूनिवर्सिटी में था अमेरिका में, और उनको लगता था अरे वाह क्या कुक करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं रेडीमेड पैकेट्स का मसाला यूज़ करके उसमें चिकन डाल देता था. और लोगों को उनको लगता था यार ये तो हमारे इंडियन रेस्टोरेंट से भी बेटर है. वो क्या था वो परंपरा के मसाले. तो हाँ मुझे उतनी हद तक ही कुकिंग आती है, लेकिन होपफुली 14 जून को जाऊंगा और फाइनल्स में देख के कुछ सीखने को मिलेगा होपफुली. आपने कौन सा फॉलो किया है अपने इस शो को, कितना फॉलो किया? मैं जी मास्टर शेफ इंडिया ही नहीं, मैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, यूएस वर्जन, जूनियर मास्टर शेफ सभी देखते आ रहा हूँ. मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है. आई एम अ बिग फूडी तो खाने से बहुत लगाव है और बहुत मज़ा आता है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. एंड what I love about the Indian version is true to our Indian traditional values. हमारा focus ना सिर्फ खाने पर लेकिन उन contestants की background और emotions पर भी होता है. तो it makes for good TV watch. कभी अपने co-stars को आपने कुछ बना खिलाया like Deepika है और Anushka, कभी आपने कुछ ऐसा जैसे जो आपने बताया अपने special चीजें जो मुझे boiled अंडा specially या कुछ भी आपने कभी इन दोनों को खिलाया है? नहीं, मैं कभी मेरे हाथ में चॉकलेट या चिप्स होता है तो मैं ऑफ़र कर देता हूँ. लेकिन और हाँ कभी पानी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. आजकल गिफ्ट्स आपको काफ़ी मिल रहे हैं, विंटेज मोटरसाइकिल मिल, उसके बारे में बताइए क्या होगा, आई मीन क्या किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? पता नहीं ये अफवाह किसने फैलाई है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है. विक्रमादित्य आपसे मिलेंगे तो उनको ज़रा पूछना भैया रणवीर का गिफ्ट कहाँ है. अच्छा, मुझे भी पता होना चाहिए ना कहाँ है मेरा गिफ्ट. होपफुली लोगों का दिल लूटेंगे. बहुत दिल से बनाई है, काफ़ी हार्डशिप्स फेस करने पड़े हैं हमें इस फिल्म को बनाने के लिए. और इंटेंस लव स्टोरी है. विक्रमादित्य बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उन्होंने उड़ान फिल्म बनाई थी और बहुत बहुत ही मंझे हुए फिल्म मेकर हैं. होपफुली लोगों को अच्छी लगेगी. जुलाई 5th को निकल रही है. काफ़ी अर्से के बाद मेरी कोई रिलीज़ आ रही है, 19 महीने हो गए. तो वेट काफ़ी लॉन्ग रहा, लेकिन मैंने पिक्चर देखी है, मैं बहुत खुश हूँ और आई कांट वेट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी इट. हाल ही में एक पार्टी भी आपने अटेंड की थी दीपिका के, हाउ वाज दैट पार्टी? हाँ बहुत मज़ा आया. काफ़ी सारे लोग थे, सभी खुश थे. खुश होना भी चाहिए, बहुत बड़ी हिट फिल्म दी है उन्होंने और मैंने फिल्म भी देखी, बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया उस रात. मास्टर शेफ में मैं जो भी वो खाना बनाएंगे मैं सारा खा जाऊंगा, क्योंकि वो एक दिन है जो मैं अपने डाइट से ब्रेक लेने वाला हूं. और मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले में जो 14 जून को होने वाला है, स्टार प्लस पे देखिएगा 8 बजे, मुझे खाते हुए ब्रेड पकोड़े बहुत खा लिए. अब मास्टर शेफ के फाइनलिस्ट क्या बनाते हैं वो देखते हैं, वो खाते हैं. मैं एक्चुअली मैंने सोच के रखा है कि कभी ना कभी लाइफ में मैं एक कोर्स करूँगा, गोरमे मील बनाना चाहूँगा मैं. इसकी ट्रेनिंग मैंने सोच के रखा है, एक बकेट लिस्ट बनाया है. बकेट लिस्ट में ये भी है कि एक बार एक कोर्स करूँ जिसमें मुझे खाना बनाना सीखने को मिले. होपफुली ग्रैंड फिनाले में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. एक लिस्ट आपने बॉडी बनाने के बाद मैगजीन लॉन्च में बताई थी, क्या यार बॉडी की तो बात ही मत करो यार, मैं तक थक गया हूँ, पक गया हूँ डाइट करते करते. अब ग्रैंड फिनाले में जाके बस दबाएंगे, थोड़े कैलोरीज अंदर करेंगे. होपफुली वो डिज़र्ट्स बनाएंगे, मुझे डिज़र्ट्स बहुत पसंद है, स्वीट डिश. तो होपफुली कुछ डिज़र्ट्स भी बनेंगे फाइनल्स में, देखेंगे क्या क्या बनता है. लुटेरा में मेरा नाम वरुण श्रीवास्तव है, आर्कियोलॉजिस्ट है और वो एक ज़मींदार के पास पहुंचता है उनकी ज़मीन पर खुदाई करने, और वहाँ उनकी मुलाकात पाखी से होती है. सोनाक्षी का कैरेक्टर का नाम पाखी है और वहाँ उनकी मुलाकात होती है एंड देन लव स्टोरी ब्लॉसम्स और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. वो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कैसे कब. तो ये ड्रामा पीरियड करने में कितना इंटरेस्टिंग था नॉर्मली जो शूट होता है उसमें? बहुत ही इंटरेस्टिंग था एक पीरियड फिल्म करने के लिए, क्योंकि एक
वर्ल्ड क्रिएट होती है. ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम जीते हैं वो तो देखी दिखाई है, लेकिन मुझे 1950s के बारे में कुछ पता नहीं था. तो टू लिव अ कैरेक्टर हु इज़ लिविंग इन द 1950s बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेप किया मैंने, टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया, और एकदम शांत हो गया और एकदम शांत टाइप परफॉर्मेंस दी है. देखेंगे, लोगों को अच्छी लगती है. आई होप मास्टर शेफ के आपने कहीं फॉलो किया हो कुछ तो? रिपु डोयल और नवनीत में से एक तो फेवरेट है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, शायद आपको शो पे पता चल जाएगा कि मेरा फेवरेट कौन है. आई was very, very shocked when I heard about it. I heard about it first thing in the morning, before going to set, and completely shocked. It's a really tragic thing to have happened. It gets you thinking, shocked and saddened, and I mean, the more